हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आज हम लोग बेड स्विच का कनेक्शन करेंगे। बेड स्विच, तो बेड स्विच का कनेक्शन आपको पता रहेगा, पर मैं आपको दिखा देता हूँ बेड स्विच का कनेक्शन कैसे करें। ये मेरे पास शायद देख लेते हैं कितना मीटर वायर है। एक 2 मीटर वायर है, तो कनेक्शन कर लेते हैं और आपको मैं दिखा देता है स्विच का। हाँ, ये पिन है मेरे पास, तो पिन और ये सॉकेट है और ये बेड और ये ओरिएंट का बल्ब। सबसे पहले हम लोग होल्डर का कनेक्शन करें। कभी भी पेंट आपको होल्डर कभी लेंगे ना शॉप से, तो ये दोनों अंदर है, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लें। अगर ये इजी है तो आपका होल्डर सही है, तो चेक करके लेगा तो सबसे लिए अच्छा रहेगा। इसको मैं कनेक्शन कर लेता हूं। पहले यहाँ से कर लेते हैं। होल्डर का कनेक्शन तो हो गया है। दूसरी गाड़ी घटना का ना हो दूसरी हो तो कुकिंग का कनेक्शन कर लेते हैं। पिन को यहाँ लगा तो ये देखो, ये होल्डर का कनेक्शन हो गया। ये होल्डर को मैंने वायर लगा दिया पिन को। अभी हमको ये जो बेड स्विच है ना, भाई निकल 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 अभी हम ये तो मेन लाइन में जाएगा इसे। अभी हमको इसका जो ये रहेगा बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए, हमको इसके ऊपर हमको ऑन ऑफ करना है। अब इसके ऊपर कैसे लगेगा, ये तो मेन लाइन में जाएगा, ये लाइन में जो बटन मारेगा तो जाएगा। अभी इसके ऊपर तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना, ये पिन तो डायरेक्ट बोर्ड में, पर सबसे पहले जो बोर्ड में लगाने के बाद ये जो वायर है ना रेड कलर, ये रेड कलर इसका और इसका दोनों बगल चेक कर, ये मेन लाइन में जाना चाहिए। आपको मैं दिखा देता हूँ। समझ यहाँ तो बोर्ड यहाँ इतना तक ये वायर पहुँच रहा है, यहाँ पे मैं कनेक्शन कर देता हूँ। मेरे को आपको दिखाना पहला इसके, जैसे मैं यहाँ पे इसको कट कर लूँ।
ये रेड वाला वायर है, ये रेड वाला वायर ही आपको कट करना है, ये रेड वाला इसको कट नहीं, जी जहाँ पे लाइन आ रहा है इसको कट कर दिया। इसको कट कर लिया, अब इसको इसको ओपन कर लेते हैं। आपको यही वायर कट करना है, ये आपको ये रेड कलर का वायर कट करना है। इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा ऐसे कट करने में ये बेड स्विच का कनेक्शन मैं आपको देता हूँ। एक वायर नीचे लगाओ, जो लाइन से जो वायर आ रहा है ना, अब ये लाइन से यहाँ से मेन कनेक्शन से वायर आ रहा है उसको नीचे लगाना है। उसको ऐसे नीचे लगाया लो, स्विच के नीचे ऐसे लगा दिया। होल्डर के पास से वायर आ रहा है, यहाँ से पास से होल्डर से वायर आ रहा है। तो उनको टेप पे लगा, आपको पता चल गया ना, पर ये जो होल्डर के पास से जो रेड वायर आ रहा है ना इसको ऊपर लगा, और यहाँ से जो रेड वायर आ रहा है इसको नीचे, यहाँ से आएगा वो फेस आएगा तो ये लाइन आएगा, इसमें करंट आएगा, और ये जो है वो स्विच जाता है, इसके ऊपर स्विच लाइट बंद और चालू होनी है। नहीं, ये वायर तो न्यूट्रल रहेगा, ये डायरेक्ट जाएगा, इसको कट करने की जरूरत है। एक बार मैं आपको बल्ब लगा के इसका कनेक्शन चेक करके दिखा देता हूँ। मेन लाइन में हमें लगा देता है इसको, मेन लाइन में लगा दिया, साइड में करेंगे। ये हमारे पास बल्ब है, ये क्या बल्ब के अंदर से निकल गया, ये तो मैं आपको भूल गया इसको बताने, ये शोल्डरिंग का वायर है, ये आप देख सकते हैं, आपको तो पता है शोल्डरिंग का जो मशीन रहता है उसके लिए जो वायर यूज कर लेता है ना, ये देख सकते हैं, ये है। इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज़ है, देख लीजिए, ये शोल्डरिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज़, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। इसको साइड में रख देते हैं, बॉक्स में कहाँ से आएगा मेरे को पता नहीं चला, अभी तो हम लोगों को ये चेक करना है। अगर ये वायर आपको चाहिए तो कौन से भी इलेक्ट्रिक शॉप में जा सकते हैं, उसको बोलने का शोल्डरिंग का वायर 10 रुपीज़ में, मेरे शॉप में अलग 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 रेट है, तो दे सकते हैं। अभी हम लोग बल्ब चेक कर लेते हैं, अभी तो कनेक्शन रूम्स हो चुका है, यहाँ पे ये उसका कनेक्शन आपको पता चल गया, ये बेड यहाँ वो लाइन तो चालू रहेगा, ये यहाँ पे अभी वो मेन कनेक्शन रहेगा, वहाँ से मेन यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद ये इसको मैं अभी स्विच ऑन करेगा, स्विच
ऑन करें, इसके ऊपर ही अभी ऑपरेटर बेस है। आपको कनेक्शन समझ में आ चुका है, अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।